आइए पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। और आज की पहली बड़ी खबर, जेएनयू में पीएम मोदी की विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर बवाल। स्क्रीनिंग के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। जेएनयू एसयू और एबीवीपी समर्थकों में झड़प देखने को मिली है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद कैंपस में भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। पथराव में कई छात्रों के घायल होने की भी खबर है। और वहीं मामले में 25 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घायल हुए छात्र आज अपना बयान दर्ज कराएंगे। वहीं अब विश्वविद्यालय ने अधिकारियों से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक छात्र समूह ने इसकी स्क्रीनिंग रखी थी, जिस पर खूब बवाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा में गन्ने को लेकर सरकार और किसानों में तकरार जारी है। यमुनानगर में किसान यूनियन और ट्रैक्टर पर सीएम की शव यात्रा निकालकर सरकार का विरोध करेंगे। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करने आ रहे सीएम के आने से पहले किसान सीएम के पुतले का दहन करेंगे। वहीं आज पानीपत में किसान लालबत्ती चौक से लेकर लघु सचिवालय तक मार्च करेंगे किसान। पिछले 5 दिनों से जारी है किसानों का धरना। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं और तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर, श्री रामचरितमानस पर विवादित बयानों का दौर जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और सपा नेता ब्रजेश प्रजापति ने रामचरितमानस को लेकर उठाया है सवाल। ब्रजेश प्रजापति ने कुछ चौपाइयों को बैन करने की मांग की है और ब्रजेश प्रजापति अब पूर्व बीजेपी विधायक रहे हैं, फिलहाल सपा में शामिल हो गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहद खास हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। लखनऊ में 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। मलबे से अब तक 13 लोगों को निकाला गया। बताया ये जा रहा है कि मलबे में अभी भी एक दो लोग दबे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मलबे में फंसे लोगों से लगातार बातचीत जारी है, उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। मामले में सपा के किशोर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश मंसूर को हिरासत में भी ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा का 131वां दिन है। राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत रामबन से की है। इस दौरान आज शाम 4 बजे बनिहाल में कॉर्नर बैठक का आयोजन किया गया है, जबकि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत जोड़ो यात्रा को विश्राम दिया जाएगा। बता दें कि 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होना है। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर यात्रा के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में जुट गई है और इसके प्रचार के लिए कांग्रेस आज से देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने से एक दिन पहले पार्टी देश के तकरीबन सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 2 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6 लाख गांव और 10 लाख बूथ शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। गणतंत्र दिवस पर यह उनका पहला भाषण होगा। राष्ट्रपति भवन के एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा और राष्ट्रपति का भाषण हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। इस बार इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इजिप्ट के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार आमंत्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान में पीटीआई नेता फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इमरान की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इमरान खान के घर के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हुए। फवाद ने इमरान खान के आधिकारिक निवास जमान पार्क के बाहर शरीफ सरकार को चुनौती दी थी और इसके बाद वो घर लौट रहे थे, तभी लाहौर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी पर चुनाव आयोग को धमकाने का भी आरोप है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आगे बढ़ते हैं, 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। तमाम विरोधों के बीच शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। मुंबई में फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। मुंबई के सिनेमाघरों में भारी भीड़ है और वहीं विरोध को देखते हुए देश भर में सिनेमाघरों में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा को लेकर किंग खान ने खुद भी पुलिस प्रशासन से बात की थी और वहीं विवादों के बाद गुजरात में वीएचपी और बजरंग दल ने अपना विरोध वापस ले लिया है। पठान फिल्म में शाहरुख खान 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं और वहीं देश के अलावा विदेशों में भी फिल्म की एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड बनाया है। आगे 10वीं बड़ी खबर, देर रात उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चली हैं। मैदानी इलाकों में हुई बारिश का असर पहाड़ी राज्यों में खूब देखने को मिला है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के सक्रिय होने के चलते मौसम में तेजी से बदलाव हुआ। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने के साथ ही बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज भी हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। तो ये है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।